जब मेरे टीनेज में मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट्स आते थे तो मैं बाहर निकलना ही बंद कर देता था, किसी से मिलता ही नहीं था, घर में छुप के बैठ जाता था। लेकिन अगर मुझे तब पता होता कि इन डार्क स्पॉट्स और एक्ने के मार्क्स को हटाना इतना इजी, इतना आसान है, तो मेरी लाइफ सच में बहुत अलग होती। और आज जब मेरी स्किन पे ये डार्क स्पॉट्स आते हैं तो मैं सिर्फ 6 टिप्स को फॉलो करके 7 दिन के अंदर इन डार्क स्पॉट्स को क्लियर कर लेता हूं। सच बता रहा हूं भाई, एक्ने, ओपन पोर्स, एक्ने के स्कार्स, इन्हें हटाना फिर भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन डार्क स्पॉट्स को हटाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप सिर्फ इन 6 टिप्स को फॉलो कर लोगे ना, तो आप अपने डार्क स्पॉट्स को कंप्लीटली हटा सकते हो, 100% आपका फेस क्लियर हो सकता है। टिप नंबर 1 इज विटामिन सी। आपको विटामिन सी कंज्यूम करना है, आप लेमन वाटर पी सकते हो, आंवला एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी है। आप आंवले की चटनी, आंवला का जूस या फिर आप कच्चा आंवला भी खा सकते हो, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खा सकते हो। और मैं पर्सनली जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूं या मैं काफी बिजी होता हूं तो मैं अपने साथ एक विटामिन सी का पत्ता जरूर रखता हूं, टैबलेट का, बस एक टैबलेट मुंह में डाली और हो गया दिन का काम। जब विटामिन सी तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो ये आपकी स्किन को अंदर से लाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करता है, बहुत ही जल्दी आपकी स्किन से डार्क स्पॉट जो है वो लाइटन हो जाएंगे। टिप नंबर 2 इज सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। दिन में 2 टाइम आपको सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से फेस को वॉश करना है। ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स की लेयर्स को हटा देगा, साथ ही साथ आपके जो पोर्स हैं उसमें से ऑयल और डेड स्किन को भी रिमूव करता है। जब पुराने स्किन सेल्स हट जाते हैं तो बॉडी उसकी जगह नए स्किन सेल्स बनाती है और इस सेल टर्नओवर में आपके डार्क स्पॉट धीरे धीरे लाइटन होने लग जाते हैं। ये जो 2 टिप्स मैंने आपको बताई इनसे आपके डार्क स्पॉट लाइटन होंगे लेकिन फिर भी कुछ महीनों में। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इससे मेरे डार्क स्पॉट्स 1 हफ्ते के अंदर हटने लग जाते हैं। और ये है टिप नंबर 3, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। देखो, डार्क स्पॉट्स और कुछ भी नहीं, आपकी स्किन पे एक जगह इकट्ठा हुआ मेलानिन नाम का पिगमेंट है। और ग्लाइकोलिक एसिड क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली बैक्ड है कि आपकी स्किन से मेलानिन को रिड्यूस करता है। जब मेलानिन हटेगा तो आपके डार्क स्पॉट्स बहुत जल्दी लाइटन होने लग जाते हैं। और सीरम मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि सीरम डीप आपकी स्किन की लेयर्स को पेनिट्रेट करके जो मेलानिन जमा बैठा है ना, उसे हटा सकता है बहुत ही जल्दी। अपने चैनल पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट्स आते हैं, मैं हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग फेस सीरम यूज करना स्टार्ट कर देता हूं, जिसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि स्किन से मेलानिन को रिड्यूस करता है। साथ ही इसमें सोरासा कोल्ड प्रेस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया गया ऑर्गेनिक टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है जो कि स्किन को नेचुरली ग्लोइंग और रेडिएंट बनाता है। साथ ही इसमें एडिशनली 2% नायसिनमाइड भी है जो कि स्किन से ऑयल को कंट्रोल करता है प्लस पोर्स को भी टाइटन करता है। मेरे जैसे ऑयली स्किन वाले के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो मैं बातें बता रहा हूं, इन सबके साइंटिफिक स्टडीज, साइंटिफिक पेपर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहां से आप इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हो। इस सीरम में साइंस और नेचर का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर जिद्दी से जिद्दी पुराने डार्क स्पॉट्स भी लाइटन होने लग जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं वीडियो में बता रहा हूं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहां पे आप इन्हें आसानी से बाय कर सकते हो। टिप नंबर 4 है सनस्क्रीन। ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया डार्क स्पॉट्स हटाने का, ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा अगर आप बिना सनस्क्रीन लगाए लंबे टाइम तक धूप में रहते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब भी आप ज्यादा टाइम तक धूप में रहते हो तो आपका जो भी बॉडी पार्ट एक्सपोज है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और इसे आप टैनिंग कहते हो। भाई, ये टैनिंग और कुछ भी नहीं, मेलानिन ही है जो आपकी बॉडी बना रही है। और अगर आप बहुत ज्यादा देर धूप में रहोगे बिना सनस्क्रीन लगाए तो आपके डार्क स्पॉट्स और भी ज्यादा डार्क हो सकते हैं, इनफैक्ट काले भी पड़ सकते हैं। तो भाई, सनस्क्रीन लगाना तो बहुत जरूरी है। टिप नंबर 5 है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, हाइड्रेशन देता है, साथ ही साथ स्किन को रिपेयर भी करता है। और हम जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए तो वरदान से कम नहीं है ये। हर रोज रात को मैं सीरम लगाने के बाद एलोवेरा जेल ही लगा के सोता हूं और मेरी स्किन को तो ये बहुत अच्छे से सूट करता है और इससे मेरे डार्क स्पॉट बहुत जल्दी लाइटन होते हैं। और टिप नंबर 6 उन लोगों के लिए जो हमेशा लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। और अगर आपको अपने डार्क स्पॉट्स के हटाने के काम को भी पूरा कंप्लीट करना है ना, तो इस स्टेप को मत छोड़ना भाई। ये है एक फेस पैक, लिक्रिस पाउडर फेस पैक। आप कोई भी ऐसी क्रीम उठाओ, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जो कि आपकी स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग करने का प्रॉमिस करता है, उसमें लिक्रिस एक्सट्रैक्ट जरूर डला होगा। और लिक्रिस पाउडर को आप थोड़े से पानी में मिक्स करके अगर अपने फेस पे लगाओगे और 15 से 20 मिनट तक रख के आपको फेस वॉश कर लेना है, तो इस फेस पैक से आपके डार्क स्पॉट्स तो लाइटन होगी, साथ ही आपको एक इवन स्किन टोन मिलता है। मतलब आपके फेस का हर पार्ट जो है वो इक्वली ब्राइटन और इक्वली लाइटन होने लग जाता है। तो यही थी वो 6 टिप्स जिनको यूज करके मैं अपने डार्क स्पॉट को सिर्फ 7 दिन के अंदर रिमूव कर लेता हूं। जो प्रोडक्ट मैंने वीडियो में बताया, हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग फेस सीरम, इसे आप Amazon, Nykaa, Flipkart और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो। और Amazon पे तो फिलहाल ये सीरम सेल में मिल रहा है 30% ऑफ में, तो जल्दी लिंक पे क्लिक करके बाय करो इससे पहले कि सेल खत्म हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।